गुड इवनिंग फ्रेंड्स. वेल, इस सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे. वेल, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी यूपीएससी का जो है रिजल्ट आता है तो उसमें से जो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 3 और 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो सोशियोलॉजी होता है. तो इससे एक ये बात तो सामने आती है कि सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्कोरिंग है, और टॉप 100 में ये रेशो तो आपको जो है 25% के लगभग देखने को मिल जाता है कि आराम से 25% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ऑप्शन सब्जेक्ट जो क्या होता है वो सोशियोलॉजी होता है. ऑप्शन सब्जेक्ट जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है आपका, और जो है आपको सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स जो चाहिए, नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए, वो 900 चाहिए होते हैं पूरे मार्क्स में से. तो 500 मार्क्स में से अगर हम 300 मार्क्स यहाँ से अगर अचीव कर लेते हैं तो सिर्फ हमें फिर कितने मार्क्स चाहिए, 600 मार्क्स और चाहिए होते हैं. अगर हम 500 में से ही यहाँ पे 300 के मार्क्स अगर आसपास में मिले आते हैं, 260-280, तो फिर हमें यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 620 या फिर ऐसे समझिए 640 जो है हमें मार्क्स और चाहिए होंगे. ठीक है, तो काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम एक बार यहाँ से अगर कवर कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है सिलेक्शन. आज इस सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से जो है इसके लिए जो है हमारे पास में बुक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस बारे में. वेल, थैंक फॉर वॉचिंग. लाइक जरूर से करना है और कमेंट लीव, आपको कमेंट भी करना है ताकि अगर आपका और कोई ऑप्शन सब्जेक्ट है और उसके बारे में आप उसका सिलेबस या फिर उसके बुक्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट यहाँ पे कर सकते हो. कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले सिलेबस सबसे ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, सबसे पहले क्या जरूरी है, सिलेबस जरूरी है. सिलेबस इसलिए जरूरी है कि जो आपका जीएस का सिलेबस जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है और उसको जो है एक ही बुक में आपको मिल जाता है. जैसे कि पॉइंट आपके समझ लीजिए कि आपका जो पेपर टू है, ठीक है, जीएस का जो है पेपर टू है, तो उसके लिए फिक्स है कि उसमें क्या है, एक तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपका, एक गवर्नेंस है. ठीक है, दो बुक में आपका काम हो जाता है यहाँ पे. लेकिन आपका जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कोई भी हो, वॉट एवर, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि कुछ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हैं. ठीक है, अब ये पॉइंट आपको किसी एक बुक में नहीं मिलके, ऐसे होता है कि कई बार इनके लिए 2 या 3 बुक भी आपको खरीदनी पड़ सकती है इन पॉइंट्स के लिए. ठीक है, कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट सी है, और यहाँ पे पॉइंट डी है. इनमें से कुछ किसी बुक में मिलते हैं, कुछ किसी बुक में मिलते हैं, कुछ किसी बुक में मिलते हैं. अब जो कोई बुक होती है वो पर्टिकुलर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो बनाई गई नहीं है. ठीक है, मान लीजिए कि ये जो बुक है एक एक्स बुक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे ए और बी दोनों आपके सिलेबस के पॉइंट मिल जाते हैं, और इसमें चैप्टर कितने, 10 चैप्टर इसमें टोटल. लेकिन होता क्या है कि आपको ए और बी का दोनों का सिलेबस जो आपको 6 चैप्टर में मिल जाता है, बाकी के आपके 4 चैप्टर जो है यूजलेस होते हैं. लेकिन बुक तो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये जो है पॉइंट ए और बी आपको अगर पढ़ना है तो आपको पूरी बुक खरीदनी पड़ती है, आधी बुक तो आप ले नहीं सकते ना. तो सिलेबस का क्या फायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि हमारे सिलेबस में कौन से पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर बुक में है और कौन से नहीं है, जो नहीं है वो हमें पढ़ने नहीं होते हैं. तो इसलिए सिलेबस सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके सिलेबस तो ऑन टेबल आपके पास में हमेशा रहना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो. इसके बाद में कुछ बेसिक मटेरियल जो होता है वो हमें चाहिए ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उस हमारे सब्जेक्ट के लिए बन सके, क्योंकि 500 का आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होना है और इसमें से हमें कोशिश करनी है कि हम कितना स्कोर करें, 300 के आसपास में करें, हो सकता है 280-260 करें, 300 से ज़्यादा हो जाता है तो सिलेक्शन तो श्योर हो ही जाता है फिर यहाँ पे. इसके बाद में कुछ रेफरेंस बुक है और इसके बाद में प्रैक्टिस टेस्ट. देखो, आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट कहाँ पे काम आता है, मेंस में आता है, और मेंस जो है वो सारा किस बेस पे है, वो है सिर्फ आंसर राइटिंग पे. तो टेस्ट प्रैक्टिस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. 60% या 70% आपकी प्रिपरेशन होती है पढ़ने से. इसके बाद में जो आपकी जो रेस्ट ऑफ जो 30% या फिर 30% जो आपकी स्टडी बच गई वो प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट होगी, वो होगी टेस्ट प्रैक्टिस से. आप जितनी आंसर राइटिंग करोगे उससे कंप्लीट होगी. तो एक तरीका है, सिलेबस, बेसिक मटेरियल, रेफरेंस बुक एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चाहिए होते हैं सोशियोलॉजी के लिए. फिर कोई भी जो आपका बेसिक, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसके लिए बेसिक जो स्टडी मटेरियल है वो यही होता है, एनसीईआरटी. कि आपका सब्जेक्ट जो अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको 6-12 चाहिए होती है. ठीक है, और सोशियोलॉजी की तो 6-10 आती नहीं है, तो सोशियोलॉजी की क्या होगा, आपको 11th एंड 12th, ये 4 बुक आती हैं, 2 11th की होती है, 2 12th की होती है, ये आपको जरूरी है. सबसे पहले आप अपनी स्टडी जो है आप यहीं से स्टार्ट करें. इसके बाद में होते हैं इग्नू का स्टडी मटेरियल. ठीक है, आपको कोशिश यहाँ पे करनी है कि बीए का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सोशियोलॉजी का जितना भी स्टडी मटेरियल होता है अगर आप पढ़ सकते हो तो आप एमए का पढ़ने की भी कोशिश करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा. बीए का तो आपको पढ़ना ही है, ये सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए नहीं है, व्हाटएवर आपका जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट है आप उसके लिए ये दोनों स्टडी मटेरियल आप जरूर से खरीदें. ठीक है, इग्नू का स्टडी मटेरियल और जो है आपको एनसीईआरटी, ये परचेज करनी ही है. अगर आपको ये नहीं मिलता और आपको ये अपने एड्रेस पे अगर ये मंगवाना हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे जो है ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा.
इसके बाद में कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं सोशियोलॉजी के लिए, एक सिलेपिक क्लासेज है, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेशन देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में है ये सारा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है लेशन देखने को मिल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में ईपीजी पाठशाला है, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके बाद में आईएएस बाबा है, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा विजन की टेस्ट सीरीज आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आईएएस बाबा है जो ऑनलाइन जो आपके लिए टेस्ट जो है प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आप जो और स्टूडेंट अपने आंसर लिखते हैं उनके आंसर भी देख सकते हो और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की कि जो है आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखो दो पेपर होने हैं आपके सोशियोलॉजी के, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ये पेपर फर्स्ट है जिसमें फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन मेंशन किया गया, जिसमें मॉडर्निटी, सोशल चेंजेज इन यूरोप, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है। ये सारा का सारा सिलेबस जो है आप हमें व्हाट्सअप करके यहाँ पे और ये पीडीएफ आप ले सकते हो। इसके बाद में है सोशल एंड साइंस जो है ये है, इसके बाद में कुछ पॉइंट और मेंशन किए हैं, रिसर्च है, मेथड है, एनालिसिस है, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं आपके यहाँ पे जो है ये थिंकर्स वाला पोर्शन है, इसके बाद में स्ट्रेफिकेशन वर्ड, मोबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई है सिलेबस में। ये है पेपर टू, जो पेपर टू जो है वो इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड द चेंज के ऊपर है, जिसमें पॉइंट फर्स्ट ए दिया गया आपका इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर ये सिर्फ इंडिया के बारे में होगा यहाँ पे, सोशल चेंजेज इन इंडिया, तो ये तीन जो है पॉइंट यहाँ पे मेंशन करें पेपर टू में। और पेपर टू के लिए भी लगभग तीन चार बुक होती हैं और पेपर वन के लिए भी तीन चार बुक होती हैं। पूरा सिलेबस जो है वो आप पीडीएफ हमें जो है व्हाट्सअप करके ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की जो पेपर फर्स्ट के लिए रेफरेंस बुक है, आपने स्टडी मटेरियल जो है एनसीईआरटी एंड वो तो देख ही लिया। पहली यहाँ पे बुक है जो है हालम्बस की है, सोसाइटी जो है सोशियोलॉजी है, ये आपके है थीम्स एंड डिसिप्लिन, जो प्रेस्पेक्टिव है आपका, जो डिसिप्लिन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो ये आता है, ये दोनों के दोनों हैं आपके जो है यहाँ से कवर होते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, हर्मलस की है और सोशियोलॉजी थीम्स एंड प्रेस्पेक्टिव है, ये जो है फर्स्ट बुक है जो आपको लेनी है सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए। सेकेंड बुक है यहाँ पे कॉलिंस की, ठीक है, कॉलिंस की बुक है जिसमें थीम्स एंड प्रेस्पेक्टिव दिया गया है, कॉलिंस की है ये और काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी जो है आप ये बुक ले सकते हो। इसके अलावा जो है आपको थर्ड बुक लेनी है सोशियोलॉजिक थ्योरी, इसमें जितने भी थिंकर्स दिए गए हैं वो थिंकर्स है, इसमें मार्क्स, कार्ल मार्क्स दिया गया है, इसके अलावा मैक्स वेबर दिया गया है, तो सारे जितने भी थिंकर्स हैं आपके, जो थिंकर्स वाला जो पोर्शन था, ठीक है, वो थिंकर्स वाला जो इतना भी पोर्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सोशियोलॉजी के जो थिंकर है जैसे कार्ल मार्क्स है, इमाइल है, इसके बाद में मैक्स वेबर है, रॉबर्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप थिंकर्स के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाली बुक ले सकते हैं, सारे थिंकर्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में जो है एक और बुक है यहाँ पे नितिन सांगवान की, नितिन सांगवान की जो बुक है ये ओनली फॉर मेंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है, ये यूपीएससी मेंस के, यूपीएससी के लिए बनाई गई है, मेंस के लिए बनाई गई है। और इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आप पर्टिकुलर एक 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 बुक टॉपिक के लिए नहीं लेना चाहते हो और सिर्फ एक बुक लेना चाहते हो पूरी सोशियोलॉजी के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है, ये बुक ले सकते हो। इसमें क्या है आपको सारा जो है, इसमें सारे जो है आप जितने भी टॉपिक मेंशन करेंगे वो आपको सारे जो है एक जगह मिल जाएंगे, ओके, ये वाली बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और लेनी है, ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, तो वो टर्म्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, कुछ टर्म का पता नहीं चल रहा है, तो ये डिक्शनरी आपके लिए बहुत काम आएगी और ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो ये डिक्शनरी तो आपको लेनी ही लेनी है, सोशियोलॉजी के काफ़ी सारे टर्म हैं जो यहाँ से कवर होंगे। तो ये चार बुक हैं जो है आप ले सकते हो। अगर आपको एक ही बुक लेनी है तो आप नितिन सांगवान की बुक ले सकते हो, एक काफ़ी है, लेकिन आप चाहते हो कि स्टडी आप बहुत ज़्यादा अच्छी करना चाहते हो, पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलर बुक्स चाहते हो, तो आप ये तीन बुक्स जो मैंने आपको अभी बताई वो आप ले सकते हो। इसके बाद में पेपर टू, पेपर टू जो है वो इंडियन बेस्ड है पूरा, ठीक है, पहली बुक है इसके लिए बी के नांगला की बुक है जो इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स के लिए है, ठीक है, तो पहली बुक्स जो है ये है, इसमें जो है इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके बाद में रूलर सोसाइटी है, ठीक है, इसके बाद में दो सेकंड बुक है जो है पीसी जैन और एसएल दोसी, ठीक है, रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है और ये आपको जो है यहाँ पे जो है सोशल स्ट्रक्चर जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये काम आने वाली है, ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें मेंशन करे गए और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये बुक जो है वो आपका कवर करती है। इसके बाद में थर्ड जो बुक है यहाँ पे वो ऑक्सफोर्ड की इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजी जो है वीना दास की है, ओके, ये तीन बुक जो है आपके पेपर टू के लिए इनफ है, जो आपका पेपर टू है, पेपर टू में जो कुछ भी सारा सिलेबस है उसके लिए जो है ये तीनों बुक जो है बहुत इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। बट स्टिल आप चाहते हो कि मैं तीन बुक पढ़ के नहीं पढ़ना चाहता हूँ, एक ही बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर वही है नितिन सांगवान की जो है बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह मेंशन की गई हैं।
इसके अलावा आपको चाहिए कि आप आंसर राइटिंग, यानी कि ये जो है कुल मिलाकर आपके लिए यहाँ पे जो है 8 बुक, यहाँ पे 6 बुक हो जाती है टोटल, और एक यानी है कि आपकी डिक्शनरी हो जाती है, 7 बुक टोटल हो जाती है। आप चाहते हो तो 2 बुक ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए नितिन सांगवान की और पेपर वन के लिए भी नितिन सांगवान की, प्लस एक आप जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके काम चला सकते हो। इसके अलावा आपको जो सबसे मस्ट है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आपको IAS बाबा के ऊपर क्या मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन यहाँ पे जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने आंसर लिख के और अपलोड करते हैं, तो आपके दूसरे के लिखे हुए आंसर राइटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि वो किस तरह का जो है आंसर लिखते हैं। इसके अलावा आपको ऑफलाइन जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। जो है बेस्ट सजेशन तो यही है कि आपको टेस्ट सीरीज जो है वो क्या करनी चाहिए, वो आपको ऑफलाइन जो है आपको ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आपके आंसर कैसे हैं उन वो पर्टिकुलरली चेक होंगे और वो देखेंगे, और इसके बाद में आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके आंसर का लेवल क्या है। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई आंसर लिखते हो और जब तक इसको कोई चेक करके इसमें रिमार्क जब तक नहीं करेगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके आंसर का जो है लेवल क्या है। तो ये सबसे मस्ट है कि आप जो है आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। IAS बाबा को आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। तो ये सारा स्टडी मटेरियल जो है आप ऑप्शन सोशियोलॉजी के लिए ले सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।